नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, चुनाव की तारीखों का भले ही ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है, बिहार में सियासत तेज होती जा रही है। जुबान से दो बयान दिए ही जा रहे हैं, लेकिन अब पोस्टर के माध्यम से भी जोरदार प्रहार किया जा रहा है। तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे पर खूब प्रहार कर रहे हैं, खासकर महागठबंधन के लोग एनडीए पर, एनडीए के लोग महागठबंधन पर जमकर निशाना साध रहे हैं। एक बार फिर से कांग्रेस के तरफ से पोस्टर लगाया गया पटना के सड़कों पर। पिछले दिनों किस तरीके से पोस्टर वार चल रहे थे, ये भी हमने आपको दिखाया था, और एक बार फिर से पटना में पोस्टर वार शुरू हो गया है। तस्वीर देखिए किस तरीके से पटना में कांग्रेस की तरफ से पोस्टर लगाया गया है। सिद्धार्थ क्षत्रिय हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने पोस्टर लगवाया है। उसमें आप देखेंगे कि इस पोस्टर में आप गौर से देखें तो भारत माता की भी तस्वीर है, प्रभु श्री राम और माँ सीता और हनुमान जी की भी तस्वीर है। साथ ही साथ इसमें बताया गया है, सीता माता की तरफ से लिखा गया है कि हे स्वामी, जहाँ सीताराम पुकारा जाता था, वहीं भाजपा वाले अब सिर्फ आपका नाम ही चीख चिल्लाकर पुकारते हैं। अब तो हमारे मैके वाले नेपाल से भी रिश्ता खराब करवा दिया दुष्टों ने। वहीं श्री राम की तरफ से बताया गया है, हे सीते, हमें रावण भी जुदा करना चाहा था, वह नहीं कर पाए। अयोध्या में मंदिर बनने में भी जो देरी हुई, वह ऐसे ही तुच्छ सत्ता लोभियों के कारण, नहीं तो राजीव गांधी मंदिर बना चुके होते। वैसे भी प्रेम से हनुमान की तरह सीताराम बोलने से ही हम भक्तों पर अभिभूत हो जाते हैं। भारत माँ के बाजू को सुरक्षित रखने वाले, जनकपुर से अटूट संबंध को बरकरार नहीं रख पाने वाले मनुष्य भारत माँ के आंसू का मोल नहीं समझे तो आगे और विनाश तय है। वहीं हनुमान जी की तरफ से भी लिखा गया है, प्रभु आज्ञा हो तो इन दुष्टों की लंका को भी जला दूं। फिर देखेंगे आप कि इस तस्वीर में भारत का नक्शा है, जिसमें भारत माँ जो है वह उनकी आंखों से आंसू आ रही है, और उन्होंने लिखा है, उनके वो लिखा गया उसमें, जागो मेरे सपूतों, चीन मेरे अंग अंग को खंडित कर रहा है, मेरे सिर पर वार कर रहा है। तो इस पोस्टर्स में आप देखेंगे सिद्धार्थ क्षत्रिय हैं, पूर्व सचिव है बिहार कांग्रेस के, सूरज कुमार हैं, कमल कमलेश है, वेंकटेश रमन है, तमाम लोगों की तस्वीरें भी लगी हुई हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जो बिहार कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं उन सब की तस्वीर है। शक्ति सिंह गोहिल हैं, मदन मोहन झा हैं। तो कांग्रेस ने एक बार फिर से जोरदार प्रहार किया है तस्वीरों के माध्यम से, पोस्टर्स के माध्यम से। देखने वाली बात होगी कि इस बार श्री राम के भरोसे कांग्रेस ने श्री राम के माध्यम से बीजेपी पर निशाना साधा है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती है एनडीए की तरफ से। तमाम चीज़ों से हम आपको अपडेट कराएंगे। बढ़ रहे हेडलाइंस के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया।